एक चीज जो एक फाइनेंशियल uh, इंक्लूजन के नाम पे कहा गया कि डेढ़ लाख पोस्ट ऑफिस विल कम ऑन द कोर बैंकिंग सिस्टम और ये ये खबर एक uh, किसी भी इंसान के लिए क्यों मायने रखती है ओके सो बेसिकली आप इतने हैरान परेशान क्यों हो जा रहे हैं no, no. <laughs> आज आपके क्वेश्चंस काफी अलग हैं uh, एक्सपेक्टेशन uh, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी मैं क्या पूछूंगी आपसे नहीं से? नहीं ऐसा कुछ नहीं बट हाँ ये इसमें लिखा था उन्होंने बोला की ये डेढ़ लाख पोस्ट ऑफिस विल कम ऑन द कोर बैंकिंग सिस्टम और दिस विल एनेबल फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड एक्सेस टू अकाउंट्स थ्रू नेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग एटीएम ऑनलाइन ट्रांसफर ऑफ फंड आई थिंक ये सब कुछ जो no, है वो हाँ, डिजिटाइजेशन की तरफ एक कदम है बेसिकली गवर्नमेंट uh, का बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है उन्होंने पोस्ट ऑफिस को पहले ही एक बैंक बना चुके हैं वो लोग hmm. तो दिस इज नॉट न्यू कि पोस्ट ऑफिस बैंक बन गया ऑल दे आर सेइंग इज कि जो पूरा इंडिया का कोर बैंकिंग सिस्टम है hmm. उस टेक्नोलॉजी से जो कनेक्शन है वो पोस्ट ऑफिस के साथ में वो कर देंगे तो पोस्ट ऑफिस विल बी टेक्नोलॉजी कनेक्टेड टेक्नोलॉजिकली कनेक्टेड विद द कोर बैंकिंग सिस्टम इन द कंट्री तो जो पोस्ट ऑफिस के क्लाइंट्स हैं उनको भी नेट बैंकिंग मिलेगा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मिलेंगे वो सब कुछ ऑनलाइन देख पाएंगे आज आपने पोस्ट ऑफिस के साथ जो भी कर रखा है आपके पोस्ट ऑफिस डिपोजिट्स हैं आपका आ, uh, कोई uh, सुकन्या समृद्धि अकाउंट है कुछ भी है तो उसका hmm. आपके पास में कोई डिजिटल रिकॉर्ड नहीं है कहीं पर भी तो टिपिकली गवर्नमेंट इज सेइंग कि वो उसको डिजिटाइज कर देंगे एंड एवरीथिंग विल देन बी अवेलेबल टू यू इन अ इन अ इन अ इजी डिजिटल फॉर्मेट